कि जितने भी आपके डाउनलाइनर्स हैं या फिर जितने नए प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ऐड कीजिए, उनको कॉल कीजिए। बस 5 मिनट में ये मीटिंग हमारी शुरू होने वाली है। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगी कि आज के जो हमारे ये मीटिंग देने वाले हैं वो हमारे रोल ऑफ अपलाइन है, जो क्राउन डायरेक्टर मिस्टर राजेश कुमार एक मिसाल है हमारे इस ग्रुप में। वो आपको बेहतरीन तरीके बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको तरक्की हासिल करना है, किस वे में आप जाएंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ फोकस कीजिए, अपलाइन की बातें मानिए तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस 5 मिनट में हमारी, 5 मिनट भी नहीं है, आई थिंक 4 मिनट है, हमारी मीटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे क्राउन डायरेक्टर मिस्टर राजेश कुमार को स्वागत किया जाए। क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? जी, पहुंच रही है। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे कनेक्ट भी होंगे। मेरे हिसाब से अभी बहुत बहुत लोग हैं। सुदेशना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग दूर दूर से भी लोग हमारे बीच में कनेक्टेड हैं। और मैं भी थोड़ा सा, मेरी तरफ लाइट नहीं है तो इशू थोड़ी बहुत कभी बन सकती है, तो जस्ट बी अलर्ट फॉर दिस। अब बड़े एक्साइटेड हैं हम लोग, काफी दिनों के बाद हम लोग एक जगह हुए हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं देख रहा हूँ रामदास धुर्वे सर भी हैं, उनकी टीम भी यहाँ पे आई हुई है आज। तो वेलकम करता हूँ सभी लोगों को, सभी एवेंजर्स को, है ना। आप लोग बड़े ग्रेट लीडर हैं, जबरदस्त लीडर हैं और बहुत सुपर क्वालिटी है आप लोगों के अंदर, बहुत बढ़िया करेंगे। तो माई सेल्फ सबको पता है, राजेश कुमार नाम है मेरा, क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आज मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्टली रूबरू होऊंगा और डायरेक्टली वो बातें हम करेंगे जिसके थ्रू एक कामयाबी के शिखर पे आप जा सकें। और जैसा कि सुदेशना मैम ने कहा कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कामयाबी पूरी तरह से इसी के ऊपर टिकी रहती है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, ये बहुत अच्छा है। बीच में आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि यदि आप लोग के पास यदि वीडियो ऑन कर सकते हो तो ऑन कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग हमारे बीच में अलर्ट हैं। शाम का समय, नहीं तो आप सो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ हो बैठे। तो मैं चाहता हूँ कि आज बिल्कुल दिल खोल करके आप लोग बिल्कुल बैठिए, और कहीं ना कहीं एक रोल ऑफ अपलाइन और मेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं सेशन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और जितने लोग हैं सब लोगों को मैं एक बार दोबारा से वेलकम करता हूँ। और बहुत सारे नए लोग हमारे बीच में हैं, तो डायरेक्टली मैं इंटरेक्ट करूंगा आपसे, डायरेक्टली आपसे मैं बात करूंगा, क्योंकि जब तक मैं आपसे बिल्कुल डायरेक्टली बात नहीं करूंगा तो चीजें निकल करके बाहर आएगी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जितने लोग हैं, मुझे पता है सब लोग कहीं ना कहीं वेस्टेज में ज्वाइन करके एक अपलाइन बन चुके होंगे, है ना। और मैं भी आप लोगों को, मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं, जबरदस्त यही बताना चाहूंगा कि मेरा नाम राजेश कुमार है। जो लोग पहली बार मिल रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, राजेश कुमार नाम है। और मेरे जो मेंटोर हैं, जो मेरे मेंटोर, मेरे जो अपलायन ग्रेट गुरु है ना, बहुत जबरदस्त लीडर, जिनका नाम लेना मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि आज रोल ऑफ मेंटर और रोल ऑफ अपलायन का आज पार्ट है। तो मैं कहूंगा मेरे जो गुरु हैं वो मिस्टर केशव कुमार सिंह है। आज की तारीख में यदि मैं एक बात करूं कि यदि 28 से 30 साल में किसी को रिटायरमेंट के रूप में देखना है तो हमारे केशव सर, जो हमारे मेंटर हैं, उनको देख सकते हैं। आप यदि रिटायरमेंट के रूप में देख सकते हैं केशव सर को, यदि आप चाहते हैं कि उन्हीं की तरह, आज चार चार फॉरेन टूर कर चुके हैं वो, आज की तारीख में 4.5 लाख रुपए महीने की पेआउट है ना। तो एक तरह से लाइफ को उन्होंने अपने रिटायरमेंट एज पर ले आए, जहां तक 30 साल में लोग जॉब की तरफ तलाश कर रहे होते हैं, आज की तारीख में सर वो रिटायर्ड हैं, यानी वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो मेरे जो मेंटर है, मेरे अपलायन है, ग्रेट गुरु, मैं सब लोगों के लिए कहूंगा एक बार तालियां बजा लीजिए जहां भी बैठे हैं, मिस्टर केशव कुमार सिंह, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, अपने आप में बहुत बड़े लीडर हैं। और उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि शायद उनकी वजह से आज मुझे वेस्टी जैसा प्लेटफॉर्म मिला और जानने और समझने का मौका मिला। और वही चीज मैं आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहूंगा
कि एक सफलता में एक मेंटर का और एक अपलायन का कितना बड़ा रोल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीधी सी बात है, जब आप वेस्टेज में आते हो तो किसी न किसी के थ्रू आते हैं, ऐसा ही है ना। और जहां तक मैं मानता हूं कि जितने लोग वेस्टेज में आए हैं सब लोग किसी न किसी के थ्रू आए हैं। मैं आज दिल खोल करके बातें करूंगा कि जनरली होता क्या है कि हम जब किसी के थ्रू आते हैं, जब हमें कोई ज्वाइन करवाते हैं, तो हमें ये समझ में आता है स्टार्टिंग फेज में कि शायद मेरा रोल यहाँ पर नहीं है। जो भी रोल है वो अपलाइन का रोल है। यदि मैं कुछ कर रहा हूँ तो अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने मेंटर के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ पे लाया है। तो यदि मैं कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको नेटवर्क इंडस्ट्री की मैं बात बताऊंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, आज पिछले लास्ट 100 सालों से आज ये इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन ये पिछले 100 सालों में इतने बड़े लेवल पे जा चुका है, इंडिया में क्यों नहीं जा पाया, इंडिया में क्यों नहीं नेटवर्क इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे जा पाया। मेरे हिसाब से वेस्टी जब 2004 में आई हम लोगों के बीच में और जब हम लोग इसके पार्ट बने, बहुत सारे लोग जब कामयाबी के शिखर पर गए, सब लोगों को पता है कि आज वेस्टीज में कितने लोग और बड़े लेवल पे कामयाबी ले चुके हैं। आज कितने लोगों को तो शायद बिलीव नहीं होगा कि आज की तारीख में 400 से ज्यादा लोग लग्जरी कार चलाते हैं वेस्टीज में, और इतने बड़े लेवल पे सफलता लेना, 6000 लोग कार अचीवर बनना, 5 से 6000 लोगों की जो है इनकम 1 लाख प्लस होना, ये अपने आप में कहीं बहुत बड़ी बात है। मैं इस सिस्टम में आया आज से 3 साल पहले, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं मेरे को सिर्फ 15 महीने लगे थे जब मेरी पेआउट 1 लाख प्लस हो गया था। तो इस सिस्टम और इस प्लेटफॉर्म की ताकत थी और एक अपलायन का हमारा साथ था, जिसकी वजह से ये मुकाम इतनी जल्दी और इतनी रफ्तार में मैं ले पाया। उसकी वजह सिर्फ यही होता है कि एक मेंटर का रोल बहुत बड़ा होता है। और आप लोगों के बीच में, आप भी जब वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म में आए हो तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हो, तो ये ध्यान कर लेना कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से जानना और समझना पड़ेगा यदि आपको बड़े लेवल पे सफलता चाहिए। तो आपको सबको मालूम है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता कभी भी छोटे स्टेज पे नहीं मिलता है, बड़े स्टेज पे ही सक्सेस मिलेगा। ये सब लोगों को पता है कि 21st सेंचुरी इंडस्ट्री होने वाला है इंडिया में, सबको पता है। इंडिया बहुत आगे जाएगा नेटवर्क इंडस्ट्री में, सबको पता है। पोटेंशियल इंडिया का बहुत ज्यादा है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। जापान जैसे 12 करोड़ की आबादी वाला देश में यदि आज वहां करीब 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, तो हमारा तो फिक्की का रिपोर्ट अभी सिर्फ ये बताया कि 65,000 करोड़ हम बाय 2025 तक चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं यदि हम वेस्टिजियन और पूरे इंडिया यदि एक साथ अभी मिल लें नेटवर्क इंडस्ट्री में, ये 65,000 करोड़ तो हम अगले साल के एंड तक कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि सिर्फ फर्क बता देता हूं कि हमारे डीएनए में समाया हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है कि मुझे किसी भी तरह से नौकरी मिल जाए। और बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, अव्वल दर्जे की पढ़ाई करो, फर्स्ट आओ, बढ़िया करो, 95% नंबर लाओ, 100% नंबर लाओ, लेकिन करो जॉब। वो चीजें हट नहीं रही है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि हमारे ऊपर यदि किसी का डंडा रहता है ना तो हम काम करते हैं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां आपको स्वेच्छा से काम करना पड़ता है, अपने मर्जी से काम करना पड़ता है और आपको अपने खुद के लिए काम करना पड़ता है। तो कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का बॉस नहीं होता, है ना। तो ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हमारा कोई बॉस नहीं है। और मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है, जो होस्ट को होस्ट है वो मुझे बताएंगे, मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? थोड़ा सा एस या नो में जवाब चाहूंगा। यस सर, राइट, थैंक यू सो मच। तो मैं कहूंगा कि कोई बॉस नहीं होता, और बॉस नहीं होना कहीं ना कहीं इंडिया में नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि हमारे ऊपर जब तक कोई बॉस नहीं है ना, कोई डंडा नहीं मार रहा हो ना, हम काम करके तैयारी नहीं करते, खुद सेल्फ मेड नहीं बन पाते। हम अपने आप को खुद तैयार करके इस संसार में और इस जमाने में कुछ करके दिखाना हो तो ये हम कर नहीं पाते, खुद का चैलेंज हम ले नहीं पाते। जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है, किसी का दबाव होता है, तो हम काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक मेंटर और एक अपलायन का जो रोल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हकीकत में एक उसी हिसाब से है जैसे एक पेरेंट्स का रोल अपने बच्चे के परवरिश में होता है। यदि आप किसी के अपलायन बन चुके हो, मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हो आप किसी न किसी के अपलायन हो, डाउनलाइन मरके मतलब डाउनलाइन बनकर मत समझना कि आप किसी के डाउनलाइन हो। मैं क्लियर बता दूं, मैं भी एज ए अपलायन ही आपको बताऊंगा और आप भी किसी के अपलायन हो। यहाँ पे जितने सारे लोग कनेक्टेड हैं सब लोग किसी न किसी के अपलायन हैं।
लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि आप एक अपलायन हो, एक मेंटर बन चुके हो आप, तो क्या आप इसका रोल बखूबी निभा रहे हो आप अपनी टीम के लिए? क्या आपको एज ए अपलायन जो रोल प्ले करना चाहिए, जो आपको देना चाहिए अपनी टीम को, क्या वो आप दे पा रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जनरली यही आपको सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक डाउनलाइन बन करके बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हो। कहने का मतलब कि आपके दिमाग दिलो दिमाग पे हमेशा एक सोच बनी हुई है कि मैं जो काम कर रहा हूँ कोई किसी कोई अपलायन है उसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ किसी के पे आउट के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो काम कर ही नहीं रहा, मेरी पे आउट तो बाद में आएगी, पहले मैं अपलायन के पे आउट के लिए काम कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया है। कहीं ये सोच है तो इस भ्रम से आप दूर हो जाइए और आज ही एक तैयारी कीजिए कि आप एक एज ए अपलायन काम करेंगे, और एक एज ए अपलायन हो आप, एक मेंटर हो किसी न किसी के, उसी तरह से जिस तरह से आप अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करते हो और उनके बारे में सोचते हो, उनके भविष्य के बारे में सोचते हो, उनकी कामयाबी के बारे में सोचते हो, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा तो जैसे आप माँ अपने आंचल में छुपा करके रखती है लेकिन धीरे धीरे अपने आंचल से दूर भी करती है, वो उसको गिरने भी देती है, दौड़ने भी देती है, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको स्कूल में भी डालती है, रोते पिटते बिलखते रहते हैं बच्चे तब भी हम उसको स्कूल में डालते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भविष्य की चिंता होती है हमारी। तो यही चीज एज ए अपलायन और एज ए मेंटर आपको जरूरत पड़ेगा अपनी टीम के लिए। जैसे आपको एक टीम बनती है, एक छोटी सी टीम बनती है, वहां एक तैयारी करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए कि आपको 8-10 पॉइंट में आपके बीच में डिस्कस करूंगा, जिसके ऊपर मैं बात करके मैं आगे बताऊंगा कि एक रोल क्या होता है एक मेंटर का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेवलप लर्निंग एटीट्यूड इन योर टीम। अपने टीम में लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए। सबसे पहला चीज जो मैं आप लोगों से बखूबी बात करना चाहूंगा, स्लाइड लगाता हूं तो स्लाइड ही देखते रह जाते हैं लोग, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं आपको 1-to-1 बात करूं, डायरेक्टली आपके सामने मुखातिब हूं और डायरेक्टली बात करूं और सुन सको आप मेरे को। सबसे पहले मैंने कहा कि जैसे आपकी एक छोटी सी टीम बनती है, 10, 20, 50, 100 लोगों की टीम बनी, 1000 लोगों की टीम है, 2000 लोगों की टीम है, मुझे नहीं पता कितने लोगों की आपकी टीम है, लेकिन जितनी लोगों की भी टीम है, कोशिश कीजिए कि एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप कीजिए, स्टार्टिंग फेज से उनको सिखाना शुरू कीजिए आप। जनरली इसके ऊपर लोग वर्क कम करते हैं, जैसे स्टार्टिंग फेज में आपको थोड़ा सा मैं दूर लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग क्यूट करते हैं उसकी वजह सिर्फ ये होता है कि वो जनरली मोटिवेशन बेस्ड पे वो आ तो जाते हैं लेकिन वो लर्निंग एटीट्यूड बनाने के रख नहीं रख पाते, अपनी टीम में लर्निंग एटीट्यूड डेवलप नहीं करवा पाते। तो वो लर्निंग एटीट्यूड क्या डेवलप करवानी है, सबसे पहले लर्निंग एटीट्यूड में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। जैसे आप एज ए अपलायन आपके बीच में कोई ज्वाइन करते हैं, कोई आपके बीच में टीम में आते हैं, उनको कोशिश कीजिए कि उनको 7 बेसिक्स के बारे में पूरा डिटेल बताइए उनको। 7 बेसिक्स सबको पता है कि 7 बेसिक्स होते क्या है ना, सबको पता है। जैसे हमारी टीम में कोई आता है तो उसके हम ड्रीम चार्ट बनवाते हैं ना, सबको पता है, ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम गोल नहीं बनाएंगे तो जिंदगी में 90% लोग इंडिया में तो वैसे हैं जो गोल ही नहीं बनाते, 90% नहीं बोलूंगा मैं, कहूंगा 98% लोग हैं जो इंडिया में जिनके पास कोई गोल नहीं है, वो सिर्फ इस संसार में आए हैं, माँ बाप ने कुछ कहा है करने को वो कर रहे हैं, फिर समाज से सीखे ये करना है वो करना है, कोई गोल अपना नहीं होता, और इसी वजह से आज भारत हमारा कहाँ कितनी पीछे हम जा चुके हैं सोच भी नहीं सकते आप क्यों, और आज की तारीख में तो और पीछे ही पीछे हम जा रहे हैं, सबको पता है पैंडेमिक के टाइम में कितना सिचुएशन वर्स हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करोगे, 7 बेसिक्स के ऊपर आप काम कीजिएगा पूरी तरह से एज ए अपलायन। यदि आपको बड़े लेवल पे लोगों को सफल बनाना है तो एक अपलायन और एक मेंटर का रोल ही यही होता है कि अपनी टीम को सफल बनाना, अपने टीम वालों के पे आउट के लिए काम करना। जनरली हमारी एटीट्यूड होती है कि हम अपलायन की पे आउट के लिए काम करते हैं, आप थोड़ी सी एटीट्यूड चेंज कर लो, सो थॉट्स प्रोसेस को चेंज कर लो और ये सोचिए कि आप अपने डाउनलाइन या अपने जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी पे आउट के लिए आप काम कर रहे हो। ये सोच आपको बड़े लेवल पे सफलता दिलाएगा। तो लर्निंग एटीट्यूड में 7 बेसिक्स जरूर सिखाइएगा पूरी टीम को कि गोल चार्ट कैसे बनाते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जाहिर सी बात है कि डिटेल में जा भी नहीं सकता मैं, इसका सेशन अलग अलग लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं आपको आज थोड़ा सा आइडिया दे दूं, डे आफ्टर एक दिन छोड़ करके सेशन कंटिन्यू रहने वाला है, और मैं चाहता हूं कि इस बार जो ये सेशन कंटिन्यू रहेगा ना,
कुछ लाजवाब रिजल्ट निकाल कर दीजिए आप पूरी टीम आप लोग मिलकर के। मैं यही कोशिश करूंगा कि जबरदस्त सेवन बेसिक्स में पहले गोल चार्ट बनाइए, उसके बाद उनकी लिस्ट मेकिंग करवाइए, लिस्ट मेकिंग के बाद है ना उनकी इनविटेशन प्रोसेस करवाइए, इनविटेशन प्रोसेस के बाद प्लान प्रेजेंटेशन उनको सिखाइए, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद उनको फॉलोअप करना सिखाइए, ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको किस तरह से फॉलोअप करनी है, ये सेवन बेसिक्स उनको जरूर दीजिए। जनरली ये सेवन बेसिक्स हम उनके अंदर उतार नहीं पाते हैं, लर्निंग का एटीट्यूड में ला नहीं पाते हैं, वो बिजनेस बड़ा कर नहीं पाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता ये इंडस्ट्री है क्या। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि कामयाबी के लिए आपको एक चीज जरूरी है, एजुकेशन पे फोकस करना जरूरी है। और कोई भी लोग आते हैं तो ये समझ लेते हैं कि ये जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों से जुड़ने का बिजनेस तो जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। यदि आप लोगों से जुड़ करके आगे बढ़ेंगे तो एक बड़े लेवल पे आप सफलता हासिल करेंगे। सेवन बेसिक्स जो करना है आपको और सेवन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने। जनरली मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है, लेवल सिल्वर डायरेक्टर हो गया है, गोल्ड डायरेक्टर हो गया है, और यहां तक कि मैं बताऊं स्टार डायरेक्टर और डायमंड डायरेक्टर को सेवन मिस्टेक्स नहीं पता। यदि मैं उससे पूछ लूं कि ये सेवन मिस्टेक्स क्या होते हैं उन्हें नहीं पता होगा, गोल गोल चक्की घुमाना क्या होता है उनको नहीं पता। अब एक चीज मुझे बताइए, जो हमें खुद नहीं पता कि सेवन मिस्टेक्स हमें नहीं करने, वो अपलाइन को अपशब्द कहना, चलिए आज तो अपलाइन के ऊपर टॉपिक है, उनको नहीं पता तो वो कभी 90% नेटवर्कर तो इसलिए फेल हो जाते हैं कि अपलाइन से उनकी बनती ही नहीं है, वो वहीं पे वहीं खराब हो जाता है उनका, कोई ना कोई ऐसी थॉट प्रोसेस उनके अंदर आ जाता है पहले वाली सोच, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता है, बिक्री नहीं कर पाना, अपना ऊपर दोष लेना, तो हमें यही नहीं मालूम होता कि सेवन मिस्टेक्स क्या होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो ये जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले एज ए अपलाइन आप ये रोल जरूर प्ले कीजिएगा। मैं आज बड़ी बारीकी वाली बात करूंगा और प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई ऐसे उछल कूद वाली बात नहीं करूंगा जिससे आपको कुछ समझ नहीं आए, मैं आपको क्लियर दो टुक बात करूंगा जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा। सेवन बेसिक्स पे आपको फोकस करवाना है और सेवन मिस्टेक्स उसको बताने हैं कि ये गलतियां साथ क्या है जो नहीं करने हैं। और मैं आज की तारीख में बता दूं, आप जा करके घर में देख लेना कोई एक टॉपिक्स कि सेवन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो मुझे नहीं करना है। आपको मैं सच बता रहा हूँ, सेवन मिस्टेक्स जब आप एक एक करके पढ़ोगे तो आप देखिएगा उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे। और यदि आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है तो वजह सिर्फ यही है कि आप उस सेवन मिस्टेक्स के ऊपर आपने काम नहीं करा। तो आज के ऊपर आप लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर फोकस करेंगे, जबरदस्त तरीके से फोकस करेंगे, उनको प्लान कैसे देना है, प्रोफाइल कैसे देना है, मार्केटिंग प्लान कैसे देना है। और लर्निंग फोकस में मैं एक थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, मेरे दोस्त कहते हैं कि जब आप प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ आप स्टार्टिंग फेज में लोगों को सिखाते हो, कुछ बताते हो, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो लेंदी नहीं होना चाहिए, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। मैं आपको बता दूं कितने लोग तो 15 से 20 मिनट में अपनी पूरी प्लान प्रेजेंटेशन ओवरव्यू कंपनी का दे चुके होते हैं और उतने में प्लान देकर निकल लेते हैं, लेकिन कितने लोगों की आदत होती है कि थोड़ा सा सीखते सीखते वो ज्यादा सीख जाते हैं तो लेंदी में चले जाते हैं वो। मैं कहता हूं अपने डाउनलाइन को इस तरह से मत सिखाइए, वही डुप्लीकेट हो जाएगा। आप लेंदी इसलिए हो जाता है कि हम कंपनी का ओवरव्यू प्लान में, प्रोफाइल में और प्रोडक्ट में ओवरव्यू ना दे करके हम ट्रेनिंग पार्ट में घुस जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग में हम जाते हैं तो वो प्रोसेस हमारा लेंदी हो जाता है और वहां कुछ समझ में नहीं आता, हमारा प्रोस्पेक्ट भी खराब होता है। और कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जो चीज आप नीचे वाले को सिखा रहे हो, यदि वो ऑल ऑफ ए सडन उसी समय यदि उसको ये लगता है कि डुप्लीकेबल नहीं है तो वेस्टेज नहीं करेगा या नेटवर्किंग नहीं करेगा। समझिएगा मेरी बात, मैंने क्या बोला आपको कि यदि उसके मन में एक बात आ गई कि जो इन्होंने बताया, एक घंटा बताया, डेढ़ घंटा, क्योंकि लेंदी करोगे तो इतनी करोगे, आपको तो खत्म करना है मैक्सिमम हाफ एन आवर्स में, आप उसको खत्म कर रहे हो एक घंटे में, तो सोचेगा कि ये एक घंटे जो डेढ़ घंटे इन्होंने लगाया जिस तरह से बताया शायद मैं नहीं करूंगा। तो एज ए रोल आपको एज ए अपलायन और एज ए मेंटर जब किसी को गाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि इसको कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जब आप प्लान करोगे तो किस करो प्लान को, KISS कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, कभी किल मत करना इसको, कीप इट लॉन्ग एंड लेंदी कभी मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स के अंदर पोटेंशियल इतना ज्यादा है लेकिन रिजल्ट नहीं है, तो रिजल्ट इसी वजह से नहीं है कि वो बहुत लेंदी प्रोसेस में चले जाते हैं, वो ऐसी बात नहीं बता रहे हैं अपने डाउनलाइन को कि वो डुप्लीकेट कर सके, तो उनकी टीम में प्लानर ही नहीं बनते। कहने का मतलब कि उनके पीठ पे बैग टांग करके भागने वाले लोग ही नहीं होते, क्यों, उनको लगता है भाग ही नहीं पाते, उन्हें लगता है बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, इतना लेंदी कौन करेगा। तो आप थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस बनाइए कि उसको सिंपल रखिए। मैं संडे CNT करता हूँ, आपको पर्सनली मत लेना इस चीज को,
मैं देखता हूँ कि लीडर्स को यदि उनको हाफ एन आवर्स का दिया जाता है कि आपको यू हैव टू फिनिश इट बाय हाफ एन आवर, आपको आधे घंटे में खत्म करना है तो 15 मिनट में खत्म करना है तो उसको आधे घंटे तक ले जाते हैं। एक्चुअली एक तो उनके कलाई पे घड़ी नहीं होती जिससे वो वॉच करके वो करें, उन्हें लगता है कि हमारे पास इतना नॉलेज है आज 15 मिनट में हम कैसे खत्म करेंगे, हम तो उसको ले जाएंगे 35 मिनट। मैं आपको ये बता दूं वहाँ न्यू प्रोस्पेक्ट बैठे हैं, जितना आप डिटेल में और बहुत बारीकियों में चले जाएंगे उतने ही आपका प्रोस्पेक्ट खराब होगा। आप सिंपल रखिए, स्ट्रेट रखिए और एकदम माइंड टू माइंड रखिए कि उनके दिमाग में बात उतर रही हो, बस इतने ही कीजिए। तो लर्निंग एटीट्यूड पे जब आप फोकस करेंगे तो इसको सिंपल रख करके ही बढ़ेंगे। आप पूरी तरह से उनको बताइए कि उनको खड़े कैसे होना है, उनको बात कैसे करनी है। लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करने का मतलब ये सब कुछ डेवलप करवानी है आपको, ऐसा नहीं कि कुछ हमने डेवलप करवा दिया और कुछ नहीं करवाया। मोटिवेशन, अच्छा एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, आप लोग बहुत बोलते हैं कि यार मोटिवेशन से बिजनेस नहीं चलता, एजुकेशन से चलता है, और मैं कहता हूं कि मोटिवेशन से बिजनेस चलता है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिव प्लस एक्शन। आपके पास काम करने के लिए कोई मोटिव होना चाहिए। लोग मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उनके पास कोई मोटिव नहीं होता है, कोई कारण बड़ा नहीं होता काम करने का। और मोटिव होता है तो कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं मोटिव, वो किस लिए आए हैं, वो फिर कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर किसी को पर्सनल इनिमिटी या किसी तरह की बात करनी, अपलायंस से कुछ रिश्ते खराब हो गए तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं, अपने मोटो से ही भटक जाते हैं वो। मोटिवेशन का सीधा मतलब होता है कि मोटिव प्लस एक्शन। यदि आपके पास कोई मोटिव नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कि आप एक्शन में रहेंगे ही नहीं कभी। इसलिए ध्यान कर लीजिए कि आपको मोटिवेटेड तभी हो आप जब आपके पास कोई मोटिव है। यदि आपके पास कोई मोटिव नहीं है तो मोटिवेटेड रहोगे भी नहीं आप। तो आप समझ लीजिए कि मोटिवेशन रहना कितना इंपॉर्टेंट है। आपको मोटिवेशन से ही बिजनेस चलेगा। जब आपके पास मोटिव नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, आपके पास कोई चार्ट नहीं है, कोई आपके पास है ही नहीं ड्रीम, तो आप किस लिए एक्शन में आओगे, है ना? तो मोटिवेटेड तो वही रहेगा ना जिसके पास कोई मोटिव रहेगा, जिसके पास कोई गोल रहेगा। तो यहाँ पे इस चीज को फोकस करना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पहला पॉइंट नोट किया होगा जो मैंने आपको बताया कि हमेशा आप अपनी टीम में लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करवाइए। आप हर एक लीडर्स को जो आपके साथ कनेक्टेड है उनको कोई ना कोई मोटिव दीजिए आप काम करने का। क्यों आप वेस्टेज में आए हो, क्या क्या प्लानिंग है आपका, कितने बड़े लेवल पे क्या करना चाहते हो आप। यदि ये चीज आपके पास पीछे का मोटिव नहीं है, हो सकता है मोटिव आपका डिफरेंट हो। आपका मोटिव हो ढेर सारा मेरे पास रुपया पैसा हो, आपका मोटिव हो कि हम फॉरेन टूर जाएं, किसी का मोटिव हो स्टूडेंट्स को कि फिलहाल मेरा पॉकेट खर्चा ही निकल जाए या फिर आगे जाकर के मैं मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जगुआर ले लूं। किसी का मोटिव बड़ा इमोशनल मोटिव होता है कि शायद अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना लिखाना। शायद किसी का मोटिव होता है कि हम बड़े लेवल पे हम आगे जाएं। किसी का मोटिव होता है कि हमें मान सम्मान इज्जत चाहिए। तो मोटिवेशन तभी रहेगा जब आपके पास कोई मोटिव रहेगा, है ना? टू बी फ्रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और ये जब तक आपके पास नहीं है वेस्टेज में आप टिकोगे नहीं। तो एज ए अपलायन, एज ए मेंटर, इसके ऊपर आप पूरा फोकस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ सेकेंड पॉइंट पे, है ना? हैव फेथ ऑन योर टीम। जो आपकी टीम है उसके ऊपर पूरा विश्वास जताइए आप। कितने लोग तो दिन भर इसी शिकायत में लगे रहते हैं कि हमारी टीम कुछ करती ही नहीं है, हमारी टीम में पोटेंशियल नहीं है हमारे। अरे एक चीज मुझे बताइए, आपकी टीम में पोटेंशियल कैसे नहीं है? जब मोइन खान सर जैसे बड़े लीडर, जो बिना पढ़े लिखे लोग, कितना पोटेंशियल था उनके अंदर मुझे बताइए। क्या वो लिख लेते थे, क्या वो पढ़ लेते थे? जब वो 7 से 8 लाख रुपए महीने की इनकम पे जा सकते हैं, तो आपके पास कौन सी ऐसी टीम है जो आप जिनको कह रहे हो पोटेंशियल नहीं है, जिनके ऊपर आपको फेद नहीं हो रहा है? तो अपने टीम के ऊपर, अपने डाउनलाइन, अपने कलीग के ऊपर पूरा फेद रखिए, पूरा विश्वास रखिए, पूरा विश्वास जताइए कि सर आपको उनको हमेशा मोटिवेटेड रखिए। फेद जब तक अपने डाउनलाइन के ऊपर आप नहीं करेंगे, पूरी तरह से फेद नहीं करेंगे, आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ आप उनके अंदर आत्मविश्वास जता रहे हो। अब क्यों फेद नहीं होता आपको अपने डाउनलाइन पे बताऊं? क्योंकि आपने पहला लर्निंग एटीट्यूड में उनको लाए नहीं हो। उनको पता नहीं है कि हमें वेस्टेज को किस प्लेटफॉर्म को कैसे आगे ले जाना है। यदि ये एटीट्यूड डेवलप कर चुके होते तो उनको फेद दिखाते। कैसी भी आपकी टीम हो, 5, 10, 15, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 1000 लोगों की, फेद क्रिएट कीजिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए आप। कितने लोग तो ये कहते हैं सर उस करके देख लिया कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूँ हो सकता है थोड़ी देर के लिए टीम को, देखो मैं भी लोगों को कहता हूँ कि यार देखो रेस ना घोड़ा ही लगाता है, कभी गधा रेस नहीं लगाता है। लेकिन हमें कभी कभी ये फील
करवाना पड़ेगा कि आपको एक लेवल पे उनको ट्रेनिंग दे करके आपको रेस लगाने वाला बनाना पड़ेगा। हाँ, कुछ मायनों में ऐसा लगेगा कि कभी कभी यार ये तो इसको तो चना खिला खिला के थक गया भाई, ये तो गधा है, ये तो रेस नहीं लगा सकता। तो एज ए लीडर आपको ये पता हो जाना चाहिए कि बहुत सारा टाइम आप शायद उसके ऊपर फिर फोकस ना करें, शिफ्ट करें अपने वर्क को कहीं और जहां पे आपको पोटेंशियल दिख रहा हो। कभी कभार ऐसे पोजिशन आते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल 99% केस में अपनी टीम के ऊपर पूरा फेथ बनाकर रखिए, ये आपको बड़े लेवल पर ले जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी टीम कैसी भी हो, जैसी भी हो, जहां भी हो, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, आज की तारीख में बहुत सारे लोग यहाँ पे बिहार से कनेक्टेड हैं, मध्य प्रदेश से कनेक्टेड हैं, और यूपी से कनेक्टेड हैं, मुंबई से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लीडर मैं जानता हूँ उनको, सब हमारी टीम के हिस्सा ही हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास इतनी जबरदस्त पोटेंशियल है, इतने बड़े लेवल पे जाना है उनको। तो कोशिश कीजिए जैसी भी आपकी टीम हो उसके ऊपर फेथ जताइए। जब आप उनके ऊपर विश्वास वाली बात करोगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि मेरे ऊपर इतना विश्वास करता है। तो नेक्स्ट मैं आपको फिर कहूंगा कि ऑलवेज मोटिवेट योर डाउनलाइन। सेकंड चीज, थर्ड पॉइंट आप नोट कीजिएगा, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेशन पॉइंट पर रखिएगा। और मोटिवेशन पॉइंट तभी टिकेगी, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब तक कोई मोटिव ना हो। जब तक मोटिव नहीं है, मोटिवेशन नहीं टिकेगा। मैं पहले बता दूं, जब तक कोई गोल नहीं है, ड्रीम नहीं है, वो नहीं टिकेगा, भाग जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए मोटिव हमेशा बना करके रखिए। और मोटिव सिर्फ आप बना लिए, उसके बाद उसको रेगुलर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में अटैच करके रखना, दैट विल बी योर पार्ट, राइट? तो हमेशा टीम को, अपने डाउनलाइन को मोटिवेटेड रखिए। आप खुद सोल्जर नीचे कर करके जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जब वो डीमोटिवेटेड रहते हैं ना, तो डाउनलाइन के पास चले जाते हैं। मैं आपको एक सलाह ये देना चाहूंगा कि जब आप डीमोटिवेट रहो तो डाउनलाइन के पास मत जाना, अपने अपलाइन के पास जाना, अपने मेंटर के पास जाना। जब आपके पास मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो जाए, आप डीमोटिवेटेड हैं, डाउनलाइन के पास चले गए, ऐसी कोई बात निकल जाएगी जो उसको समझ नहीं आएगा। उसको लगेगा यार ये पिटा पिटा कैसे आ गया भाई, आज ऐसी उल्टी सीधी हरकतें, ऐसी उल्टी बातें कैसे कर रहे। तो जब आप देखना, अपने आप को एक बार तराजू में कर देखना कि कहीं आप थोड़ा डीमोटिवेशन तो नहीं आपके अंदर आ रही है। जैसे डिमोटिवेशन हो, कुछ हो, तो आप अपने अपलाइन के पास जाना, मेंटर के पास जाना। किस लिए है? वो जबरदस्त है, वो आपको सॉर्ट आउट करेगा। डाउनलाइन के पास मत चले जाइएगा फिर, है ना? नहीं तो जो बना वो बिगड़ जाना है। और तो मोटिवेटेड रखिए अपनी टीम को परफेक्ट तरीके से। चौथे पॉइंट में आपको डिस्कस करना चाहूंगा, एज ए अपलाइन यदि रोल प्ले करना चाहते हो तो मनी मिसिंग कभी मत करना, नो मनी मिसिंग एट ऑल। अभी भी लेन देन ये चीज का प्रक्रिया में आप मत जाना। यदि आप इसमें जाते हो तो कहीं ना कहीं एक मेन रोल आप प्ले नहीं कर पाओगे, जहां आप लेन देन में चले गए तो मेशअप नहीं करना इस चीज को। आप हमेशा उससे फ्री रहना। आप जो भी चीज है वो अलग चीज है, वो अलग पार्ट है, या ये अलग पार्ट है। कब बहुत सारे अपलाइन और डाउनलाइन कभी फ्रेंड भी हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एज ए फ्रेंड ट्रीट करना, उनके घर चले जाना, चाय पी लेना, वो मैटर अलग है। लेकिन यदि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करना, तो वो डिफरेंट होनी चाहिए आपकी बात। वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होनी चाहिए। कभी दोनों को भी मेशअप नहीं करना, जैसे मनी को मेशअप नहीं करना है, उसी तरह से कभी फ्रेंडशिप को भी मेशअप नहीं करना है बिजनेस से। फ्रेंडशिप एक अलग है। कभी कोई बहुत आपके खास फ्रेंड हो, फास्ट फ्रेंड हो, उनको बोलिए कि आप घर आइए, चाय पीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आइएगा तो वो डिफरेंट एंगल होगा। वो टाइम लेंगे, आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, वो डिफरेंट तरीका है। तो इस चीज को देखिएगा कि मेशअप ना हो कभी। मनी मेसअप बहुत लोगों की टीम खराब कर चुका है मेरे दोस्त, मैं आपको क्या बताऊं। मैं किसी को बल्क बाइंग करवा देना, किसी से पैसे ले लेना, फिर उसको नहीं देना, कुछ इस तरह का रॉन्ग कमिटमेंट कर देना अपने डाउनलाइन को, ये सब चीजें आपको तोड़ के रख देगा, आपकी टीम को तोड़ करके रख देगा। आपको शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा हो सकता है फायदा नजर आए, लेकिन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी लूजर, नॉट ए विनर। तो जस्ट कीप इन योर माइंड, नेवर मेसअप विद योर मनी, एनी ऑफ योर टीममेट्स, किसी भी टीममेट के साथ ये नहीं करना है गैरी। तो ये पॉइंट हमारा था पांचवा पॉइंट। सिक्स पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और छह का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको पता है, वो है ईगो। ये बहुत बड़ी बात है कि एज ए मेंटर आपका रोल होना चाहिए कि आपके अंदर ईगो नाम की चीज नहीं होना चाहिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड पेश करने वाली होनी चाहिए आपको। बहुत अच्छा कर रहा है टीम, बहुत बढ़िया टीम कर रहा है। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सुपर परफॉर्मेंस दे रही है, जबरदस्त कर रही है, उनको क्रेडिट पूरी टीम को दो। आप कभी क्रेडिट नहीं लेना है। जिस दिन आप खुद क्रेडिट लेने लग जाएगी, आपकी टीम
मैं आपको बता दूं मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि कभी ये इगोइस्टिक नहीं होना है कि ये जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, कभी ये इगोइस्टिक नहीं होना है। ये आपको अपने लेवल पे ये सोचना है कि ये जो टीम हमारी है ना, ये पूरी टीम कर रही है, इनकी वो पावर है जिसकी वजह से मैं हूं। और ये सोच कहीं ना कहीं आप जब रिफ्लेक्ट करोगे अपने अपलाइन के प्रति, तो आपके डाउनलाइन में भी यही मैसेज जाएगा। तो आपको इगोइस्टिक नहीं होना है, इसको किल करना है, इसको 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 मार देना है, इस ईगो को। मैं आपको बता दूं, यदि आप कभी भी छोटी मोटी ईगो लेकर के आप आओगे ना, तो कभी भी टीम से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप। जो फंडामेंटल जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं उससे हट करके आप कहीं और चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इगोइस्टिक नहीं बनना है। यदि ईगो है तो उसको कूल करो, मारो उस ईगो को, मैं आपको सच बता रहा हूं, कत्ल कर दो, कुछ नहीं रखा है इसमें। आप मिलने जाओ उनसे, यदि कुछ बात हो रही हो तो जाओ डायरेक्टली उनसे मिलो, बात करो क्या इशू है। और कभी किसी चीज को रिसने मत देना। यदि कोई प्रॉब्लम्स आते हैं आपकी टीम में, यदि कोई ऐसी बात आ जाती है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लेवल पे डिफरेंसेस आ जाते हैं, बड़े बड़े कंट्री लेवल पे डिफरेंसेस आ सकते हैं, लड़ाई हो जाती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो डिफरेंसेस की वजह से तो आती है। इतने बड़े बड़े राजनयिक होते हैं, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पर उनका डेलीगेट्स होता है, तो भी डिफरेंसेस हो जाते हैं इतने बड़े लेवल पे कि वो कहते हैं कि लड़ाई में तब्दील हो जाता है, मारपीट में हो जाता है, एटम बम छोड़ने लग जाते हैं लोग, फेंकने लग जाते हैं लोग। क्यों होता है? जब इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, इतने बौद्धिक लोग हैं, तभी ये सिचुएशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो सारा प्रॉब्लम ही ईगो का है। आज की तारीख में जिसने ईगो कूल किया वही आगे गया है मेरे दोस्त। तो कभी भी किसी भी पोजिशन पे छोटी छोटी बात को लेकर के आपको नाराजगी नहीं जाहिर करनी है टीम से, ना डाउनलाइन से, ना अपलाइन से। देखो मैं आज आप रोल ऑफ अपलाइन बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक डाउनलाइन के हिसाब से मैं भी बात करूंगा। मैं भी किसी का डाउनलाइन हूं और किसी का अपलाइन हूं, तो दोनों तरफ से इगोइस्टिक नहीं बनना है। आपको अप्रोच कर लेना है। आप फर्स्ट अप्रोच कर लो, सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, सर मुझे जो आपकी ये बात है ना सर, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सर मुझे बताएंगे ये क्या क्या कैसे है। आप फ्रैंक होकर के एक कदम आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है आपको? क्या चीज लेकर चले जाएंगे आपको? क्या चिपका दिया आपके शरीर में जिसको आप छुड़ा नहीं पा रहे हो? हाँ जी, तो मैटर यही करता है कि आप एक कदम आगे जाकर के बोलो ना फ्रेंकली, आप उनसे बात करो, क्या रह गया सर, क्या क्या कौन सी सी पॉइंट है जिसके ऊपर डिफरेंसेस हो रहे हैं। अंदर रहोगे तो अंदर रिश्ता रहेगा, आपको नासूर बन जाएगा। और जो चीज नासूर बन जाती है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप अपने ईगो को बिल्कुल कहते हैं ना किल कर दो, पूरी तरह से किल कर दो। नेटवर्क इंडस्ट्री में बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, हल्के फुल्के भी आज यदि शॉर्ट टेम्पर्ड हो आप, हल्के फुल्के यदि ईगो हो आप, यदि आप ग्रेटिट्यूड पेश नहीं कर रहे हो अपने टीम के प्रति, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की सबको, मैं तो कहता हूं अपने मम्मी पापा को भी बोलो, उनको भी ग्रेटिट्यूड पेश करो कि हे मम्मी पापा, आप जैसे भी हो, जहां भी हो, कैसे भी हो, आपकी वजह से संसार में हूं। उनको भी ग्रेटिट्यूड पेश करो, उनका भी आभार व्यक्त कीजिए आप। ये बहुत बड़ा मैटर है मेरे दोस्त, जो नहीं कर पाते हैं लोग। और मैं कहता हूं इसके ऊपर यदि आपने काम कर दिया ना, देखना रिजल्ट। आप कितने लोग तो अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते, उन्हें भी कमियां ही दिखने लग जाती है एक स्टेज के बाद, कि बस मेरे पेरेंट्स के अंदर तो ये है, मेरे मम्मी के अंदर ये, मेरे पापा के अंदर ये, पर अरे उनको भी ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त नहीं कर पाते कि जिनकी वजह से संसार में। अपने माँ को, जो एक माँ को ही पता होता है, 9 महीने पहले पता हो जाता है कि हम उनका रिश्ता, एक माँ ही एक ऐसा रिश्ता है मेरे दोस्त जो पूरे जमाने के रिश्ते से 9 महीना ज्यादा रिश्ता होता है माँ के साथ, उनको भी हम ग्रेटिट्यूड पेश नहीं करते। मैं कहता हूं ये एक बार एक अपने अंदर उतार करके तो देखिए, आप बड़े लेवल पे उतार करके देखिए, बहुत बड़ा करोगे आप। तो एज ए अपलाइन, एज ए मेंटर, आप कभी इगोइस्टिक मत बनना। ये अप्रोच आपको ना ठंडा कर देगा और बड़े लेवल पे आपको लेकर नहीं जाएगा। आप हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहिएगा, सबका आभार व्यक्त कीजिए, मम्मी का, पापा का, अपने गुरु का, अपने आस पड़ोस का, जिनकी वजह से आप इस संसार में हो, परमपिता परमेश्वर का, कि आप कम से कम इतने बड़े लेवल पे आज देखो कोरोना काल में यदि आप सुरक्षित हो, जी रहे हो एक अच्छी सी जिंदगी, लोगों के बीच में हो आप, बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया परेशान है, ऐसा ग्लोबल किसी ने दिखा, ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए परमपिता परमेश्वर को। कितने लोग तो यही है कि भगवान को दिन भर कोसते रहते हैं कि यार भगवान तुम्हारी वजह से मेरे को हो गया, भगवान मेरे को क्या कर रखे हो आप। अरे भगवान ने दो हाथ पैर और सलामत कर करके आपको रख रखा है संसार में, छोड़ रखा, कम बड़ी बात है क्या? आप जाइए ना दुनिया, आप कामयाबी की किताब लिखिए ना, खुद लिख सकते हैं आप, वहां भी ग्रेटिट्यूड पेश नहीं करते हैं। भगवान को भी हम गाली देते हैं, उनको भी हम बोल देते हैं कि भगवान मेरे साथ ही प्रॉब्लम सारा करना है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम। मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए आप लोगों को। आप एकदम हल्के बन के रहो ना, जो चीज हल्की रहती है ना मेरे दोस्त, वो आसमान में उड़ती है। एज ए अपलाइन, एज ए मेंटर हल्का बनो ना, बैलून में दोनों हवा भर दे तो ऊपर चला जाता है।
आप हल्के बन के रहो, हमेशा भारी बन के मत रहो, है ना। भारी बन के रहोगे जिंदगी जी नहीं पाओगे। जिंदगी ना जी भर के मत जियो, जी भर के जियो यार, है ना, अंदर रख के मत जियो, जी भर के जियो यार। तो कहा जाता है कि जिंदगी को जी भर के मत जियो यार, जी भर के जियो। तो ऐसी जिंदगी जियो आप, देखो कैसे डॉनलाइन के साथ रिश्ता बनता है जबरदस्त तरीके से, और बड़े लेवल पे आप आगे जाएंगे। चलिए, जब आप एज ए मेंटर होते हो, जब आप अपलाइन हो, तो एक चीज आपने टीम में जरूर आप कीजिएगा, और वो है एक पब्लिक स्पीकिंग जरूर उनको सिखाइएगा, एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप जरूर करवाइएगा अपनी टीम को, कैसे उनको खड़ा होना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे बॉडी लैंग्वेज होना है, कैसे आप उनके साथ किसी के साथ इंटरेक्ट करोगे, कैसे उनसे बात करोगे, ये सब चीज उनको सिखाना पड़ेगा आपको। ये चीज यदि आपने सिखाओगे तो शायद वो एक पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएंगे बढ़िया, है ना। अभी हमारा साउथ ऑडिटोरियम में भी सेशन होने वाला था, संडे कैंसिल हो गया। हमारे संदीप सर एंकरिंग करने वाले थे वहां पे, है ना, होस्ट करने वाले थे मीटिंग को, तो हालांकि मेरे को खुलासा नहीं करना चाहिए फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। तो लड़का सिल्वर डायरेक्टर है, थोड़ा सा घबरा रहा था। मैं बोला आप 700-800 कौन सी ज्यादा ऑडियंस है, आप एक पब्लिक स्पीकर हो, आपके अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है जो आप ये कर सकते हो आप। बोले बिल्कुल सर, मैं बोला बिल्कुल कर सकते हो आप। ये फेद, ये विश्वास अपने डाउनलाइन के प्रति आपको बड़े लेवल पर लेकर के जाएगा आपको, और यही आपको करना है। तो कोशिश कीजिएगा एक पब्लिक स्पीकर बन पाए आपकी टीम। आपके हाथ पैर स्टार्टिंग में कांपेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये स्किल डेवलप करवाइए आप। ये फियर ऑफ कहते हैं ना फेलियर, जब एकदम से हट जाएगा, जब इस तरह से वो आएंगे आगे। ये हमारा आप लोगों के बीच में जबरदस्त और 7th स्टेप था जो आप पब्लिक स्पीकर आप उनको सिखाओगे। और एक चीज मेरे को पता है कि कहते हैं ना कि अपने डाउनलाइन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए। देखो मैं अब चीज बताऊं आपको, रिस्पेक्ट ना मांगने से नहीं मिलती। कितने लोग कहते हैं मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, नहीं देता है तो आपका आपकी जो हरकतें हैं या आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो आप जानते हो सकता है आपके उस काबिल नहीं बने होंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, आपकी बात नहीं मान रही है, तो रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, आपको जो काम करते हो ना उसके हिसाब से रिस्पेक्ट मिलती है। यदि हाँ, काम करने का उसको लेवल अलग अलग हो सकता है कि उसको कैसे चेक कर रहे हो आप, लेकिन मैं आपको बता दूं अपने डाउनलाइन को रिस्पेक्टफुल रहो हमेशा, अपने अपलाइन के प्रति भी रिस्पेक्टफुल रहिए, लेकिन एज ए अपलाइन एज ए मेंटर अपने डाउनलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए आप, और दिल से रिस्पेक्ट दीजिए, ऊपर ऊपर से नहीं रिस्पेक्ट दीजिए। आप समझ लीजिए कि यदि आपने किसी एक भी डाउनलाइन आपके साथ है, एक भी बिजनेस पार्टनर आपको मिल गया है, तो समझो आपका एक बिजनेस पार्टनर आ गया, आपका कलीग है वो, बिजनेस पार्टनर समझते हैं, आपका एक बच्चा आ गया जो आपको, जिसकी परवरिश करोगे तो बाद में वो कमा करके देगा आपको, आपकी परवरिश करेगा। आज उसकी परवरिश कर लो, 2-3 साल वो आपकी परवरिश करने लग जाएगा। कितना बड़ा रोल है यार, कितना बड़ा रोल, और कितनी अच्छी बातें लगती है मुझे ये सब चीज निकल करके एज ए अपलायन और एज ए मेंटर यदि आप उनको गाइड करते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हम क्या ऐसा कर पाते हैं क्या, हम अपने डाउनलाइन को, आप एज ए क्राउन हो, 5% का लीडर मिल गया, एकदम जाके गले मिल गया ना जबरदस्त तरीके से, सुपर। मैंने अभी रिसेंटली एक बात बोला था, है ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग जितने कनेक्टेड हैं। जनरली मेरे को दो चीजें, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि लोग लीडर्स होकर के डेली कहता हूँ कि 2-3 प्लान कीजिए आप, मैं कहता हूँ एक प्लान तो करो कम से कम। तो मैंने अभी बीच में, मैं यदि आपने पहले नहीं सुनी हमारी बात तो मैं दोबारा बता देता हूँ, वैसे तो मैंने लीडर्स को मैसेज करा हुआ है, आप कभी एवेंजर्स लोग, अब जब भी आप प्लान देने के लिए जाओ, कहीं भी प्लान दो, बल्कि आप मध्य प्रदेश में हो, भोपाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, लखनऊ में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, आप कहीं भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास आप प्लान देने जाते हो, एक चीज डुप्लीकेट करवा लीजिए अपनी टीम में, एज ए अपलायन उनको बोलिए कि जब भी आप प्लान दोगे ना, 1 मिनट के लिए टेस्टिमोनी के लिए मुझे जरूर कॉल करोगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, एज ए अपलायन कर सकते हैं? मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। सपोज दैट मैं हूं, मेरे नीचे बहुत सारे डायमंड्स हैं, स्टार हैं, बहुत बढ़िया बहुत सारे लोग हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, 8% के लोग हैं। आप लोगों को मैं आज बोल रहा हूं, ध्यान कर लीजिएगा, जितने लोग आप लोग हो मेरे नीचे, जब भी आप कहीं प्लान देने के लिए जाओगे, जब आपका प्लान खत्म हो जाएगा, तो 1 मिनट के लिए टेस्टिमोनी जरूर मेरे से करवाइएगा आप, 1 मिनट के लिए मेरे से जरूर बात करवाइएगा। इससे 2 फायदे होंगे, पता है क्या, एज ए अपलायन मुझे ये पता रहेगा कि आपने आज प्लान दिया है कि नहीं। अब सपोज दैट मेरे नीचे संदीप सर हैं, अब संदीप सर हैं और पूरे दिन मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, मैं ये समझ लूंगा कि संदीप सर ने आज पूरे दिन में एक भी प्लान नहीं किया।
और यदि उन्होंने प्लान किया और मेरे से बात करवाया तो उनके प्रोस्पेक्ट के ज्वाइन करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब मैं बोलूंगा कि मैं विद इन ए पीरियड ऑफ 15 से 16 महीने में मैं अपनी पीओट को 1 लाख तक पहुंचाया था, 18वें महीने में मैंने 12 लाख की कार ली थी, 20वें महीने में मैं फॉरेन टूर करके आया था, इतने बड़े लेवल पे सक्सेस मिल रहा है, गेस्टेड क्लास ऑफिसर्स की सैलरी ले सकते हैं 15 से 18 महीने में, कौन वो रहेंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। लेकिन मैं उनको ये भी साथ साथ में बोलूंगा कि ये स्टार्टिंग से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे लर्निंग को सीखते गए, पहले 1000 कैसे आए, फिर 2000 कैसे आए, फिर 5000, फिर 10000। क्या ये 2 मिनट बात करना बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे देगा आपको? तो आज के बाद आप लोग रेडी हो जाइए, जितने लीडर हमारे एवेंजर सुन रहे हैं, आज के बाद कभी भी आप प्लान दिखाओगे तो मेरे से 1 मिनट के लिए टेस्टिमोनी जरूर करवाओगे। जिस लीडर्स का मेरे पास कॉल नहीं आएगा मैं समझूंगा कि आज उन्होंने कोई प्लान नहीं किया, और मैं पूरा डायरी मेंटेन करूंगा, आपको महीने के एंड में बता दूंगा कि कौन से लीडर्स ने पूरे महीने में कितने प्लान दिए। अब मेरे पास दोनों चीजें रह जाएगी। अच्छा, कितने लोग सोच रहे होंगे यार एक पता नहीं कौन सा चाबुक ले आया और दूसरा अब कह रहा है कि प्लान दो किसी को तो मेरे से बात करवो। मैं कहता हूँ मेरे को अभी मेरा सीनियर ऐसा बोल दें, मेरे को मेंटोर, वैसे तो वो बाद में बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में कि क्यों नहीं बोल सकते वो, है ना, क्यों नहीं बोल सकते बताऊंगा मैं आपको, बोल दें तो मैं तो गदगद हो जाऊं। मेरा प्लान ये बोल दें कि जब आप प्लान दिखाओगे राजेश जी आपको इमीडिएटली 2 मिनट के लिए मेरे से बात करवाओगे, कौन अप्लाइन ऐसे होंगे? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे से बात करवाओ। तो एज ए अप्लाइन एक मेंटोर सब अपने टीम में भी डुप्लीकेट कीजिए इसको। मैंने आपके लिए किया, अब तपस्सर अपने नीचे वाले के लिए करेंगे, शकील सर अपने नीचे वाले के लिए करेंगे, रामदास धुर्वे जी अपने नीचे वाले के लिए करेंगे, सब अपने लेवल पे। ये ना ये डुप्लीकेट प्रोसेस बनाइए आप कि जब कोई नीचे वाला प्लान दिखाएगा 1 से 2 मिनट अप्लाइन वहां पे, इससे पता क्या होगा, आपको हमेशा फील होगा राजेश सर भले क्राउन डायरेक्टर मुझे नहीं पता लेकिन हमारे बगल में बैठे हैं यार, जब मर्जी जब बात कर लो, आप कॉन्फिडेंस से भरे रहोगे और बढ़िया लीड करके आगे जाओगे। चलिए अब एक और चीज में बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं एज ए अपलाइन, मैं थोड़ा सा निगेटिव सोच लेता हूँ, बहुत सारे डाउनलाइन की शिकायत होती है कि अपलाइन मुझे हेल्प नहीं करता। मैं इसको 2 वे में लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। पहला वे में लेता हूँ कि हो सकता है आपका डाउनलाइन आपका कॉल हो सकता है नहीं उठाया, हालांकि इस चीज को मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, मैं राइट क्लिक नहीं कर रहा हूँ इसको, हो सकता है ना उठाया हो। तो कभी कभी क्या होता है कि अपलाइन आपका एज ए मेंटर है, एज ए गार्जियन, ये सोचता है कि ये अपने लेवल पे सब कुछ करे अपने, तो यहाँ पे कभी कभी ये निगेटिव हमारा व्यू हो जाता है कि अपलाइन हमारा फोन नहीं पिक कर रहे हैं, अपलाइन हमारे साथ जा नहीं रहे, हमारे साथ जहां बोल रहा हूँ वहां पे कैरी नहीं हो रहे। लेकिन मैं इसको डिफरेंट वे में लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ कि अपलाइन ये चाहता है आपको, यदि उसके थॉट प्रोसेस में प्योरिटी है तो, मैं पहले बता दूं, यदि उसकी सोच में सच्चाई है तो वो चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनो, आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बनो, और ये इंडिपेंडेंट लीडर तभी बनोगे जब अपलायन का हाथ छोड़ोगे आप। हमेशा अपलायन के हाथ पकड़ के आप बड़ी दूरी तय नहीं कर पाओगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो जब मैं आगे बात करूंगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे तो मैं बात करूंगा। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा इस चीज को कोशिश कीजिएगा कि ये दो चीजें आपकी होगी, यदि अपलायन साथ नहीं दे रहा है तो इसके पीछे भी रीजन है, वो चाहता है आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बनो, आप अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे आप हैंडल करना चीजों को सीखो आप, तो आप उसके लिए नाराज नहीं होना कभी। तो अपलाइन का रोल कभी कभी ये भी मैं एक रोल ही मानता हूँ कभी कभार, लेकिन मैं पहले बता दिया इसको मैं राइट क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत सारे मेरे डाउनलाइन यहाँ पे अभी बैठे हैं जिनको कॉल करता हूँ तो कॉल पिक नहीं करते हैं, उनका कॉल बैक भी नहीं आता है, मुझे नहीं पता रीजन कुछ भी हो। तो मैं कहता हूँ ये बड़े लेवल पे जाने का साइन नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं, आप जाइए, आप चलते जाइए, कभी ना कभी आप गिरेंगे फिर। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो आगे मैं चलता हूँ, ये 9वां पॉइंट था हमारा, नोट कर रहे हो ना आप लोग कि नहीं कर रहे हो? डायरी पेन है आपके पास? मैं किसी भी लीडर से पूछ लूंगा कि 8वां पॉइंट क्या था, 7वां पॉइंट क्या था, नोट किया आपने? मैं एक बार रिपीट कर दूं, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि डेवलप लर्निंग एटीट्यूड इन योर टीम, राइट। सेकंड मैंने बताया था हमेशा हैव फेथ इन योर टीम, अपने टीम के ऊपर हमेशा विश्वास करो, ऑलवेज मोटिवेट योर डाउनलाइन और पूरे टीम को, मनी मेशअप नहीं करना है अपनी टीम में, इज इट क्लियर टू यू, इगोइस्टिक नहीं होना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड पेश करना है, मैंने आपको बताया था। सेवंथ बताया था कि आप पब्लिक स्पीकर बनाओ अपने डाउनलाइन को, एज ए अपलाइन ये रोल होना चाहिए आपको, प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिए अपने डाउनलाइन को, ये 8वां पॉइंट बताया था। यदि आपका अपलाइन हेल्प नहीं कर रहा है तो आप इसको दूसरे वे में लीजिएगा कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा है वो। चलिए मैं चलता हूं, एज ए अपलाइन सबसे बड़ा रोल यदि आप मेरे को बोलिएगा ना तो मैं बताऊंगा ना
कि उसको टीच करवाइए कि हाउ टू मैनेज पीपल इन योर लाइफ, लोगों को एकत्रित करके मैनेज करके कैसे जाना है। और मैं आपको एक लाइन में यदि कोई नेटवर्क इंडस्ट्री का परिभाषा पूछे तो मैं कहूँगा नेटवर्क इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज पीपल इन योर सोसाइटी। मैं एक लाइन में ये बताऊंगा कि आप अपने समाज में या आप जहां पे हो, नेटवर्क इंडस्ट्री लोगों को एक साथ मिलाकर चलने का बिजनेस है। क्या ये आर्ट आपके अंदर है? यदि आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं अभी और लर्निंग प्रोसेस में गुजरने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आर्ट में वीकनेस है जिसकी वजह से ये चीज फ्लो हो रहा है। ये फ्लो जो हो रहा है, जो रुकावट हो रहा है, जो कमजोरियां आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने जितने सारे लोगों को लेकर आए हो उनको एक मैनेज करो उनको। और इसके लिए मैंने आपको क्या बोला है कि मैनेज करने के लिए दो तीन आपको टिप्स दिया है। ये दसवां पॉइंट था मेरा, इसको आप ध्यान कीजिएगा कि इसको आप दूसरे तरीके से कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, नोट कर लो आप, कि मैंने आपको बोला था कि डेली बेसिस पे पीवी अपडेट करो अपनी टीम से कनेक्ट रहने के लिए। क्या आप डेली, क्या आपको डेली बेसिस पे टारगेट है? अपने डाउनलाइन को सिखाइए। एज ए अपलायन आपका बहुत बड़ा रोल बनता है, एज ए अपलायन आपका बहुत बड़ा रोल बनता है कि क्या आपने डाउनलाइन को डेली पीवी के टारगेट पे काम करवाया आपने। वो 20 पीवी का ही टारगेट लें, लेकिन डेली बेसिस पे टारगेट होना जरूरी है। क्या आप अपने डाउनलाइन को जानते हैं, सिखाया आपने? और लिस्ट बनाइए कि आपके कौन कौन से डाउनलाइन हैं जो डेली बेसिस पे कितने कितने पीवी पे काम करते हैं। मैं अपने सब डाउनलाइन को या मेरे सारे जितने बिजनेस पार्टनर हैं मैंने उनको बता रखा है कि आप डेली बेसिस पे टारगेट पीवी अपडेट करके मेरे पास भेजोगे। मुझे पता है बहुत सारे लीडर्स नहीं भेज रहे हैं, कुछ लीडर्स भेज रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि मेरा काम है राइट डायरेक्शन में इथिकल तरीके से आपको काम करवाना। आप उसको कैसे लेकर जा रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रहा है, तो ऐसा है क्या वॉइस नहीं आ रहा है? कोई बताएंगे वॉइस क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, आ रहा है। तो आपका नेटवर्क इशू होगा। तो मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि ये क्लियर हो लीजिए कि डेली बेसिस पे है क्या टारगेट आपका। यदि आप कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर 8% वाला है तो 10% का ही, बल्कि 10 पीवी का टारगेट हो, लेकिन उसको बोलिए कि डेली बेसिस पे टारगेट पे काम करो। आप कोई लीडर है, गोल डायरेक्टर है, उनको बोलिए कि 200 पीवी पे डेली टारगेट पे काम करना है। और अपने अपलायन को भेजिए कि आज मैंने इतना पीवी बढ़ाया। जब अपने हाथों से लिखोगे ना कि आज मेरी इतनी की टीम है, लिखो कि आपकी टीम कितनी बड़ी है। मैं बीच में अपनी टीम का जब सर्वेक्षण कर रहा था तो चौंकाने वाले आंकड़े आए। कितने लोगों को, तो हजारों लोगों की टीम थी, लेकिन ज्वाइनिंग में, शॉपिंग में कुछ लोग थे। मतलब मैं हैरान हूँ कि किस तरह से हमने टीम मैनेज किया है। तो मैटर ये करता है कि मान लिया आपके पास है तो उनको लिखिए कि हाँ आज ये, आज का डेट इतना, कल था 200 पीवी, तो आज हुआ 250 पीवी, यानी 50 पीवी बढ़ा। फिर नेक्स्ट डे जाइए, 250 पीवी है, आज एक भी पीवी नहीं बढ़ा, 250 ही रह गया, तो लिखो जीरो। जब आप अपने हाथ से जीरो लिखोगे ना तो आपको फील होगा कि हमारी टीम तो आज 500 लोगों की है और पीवी आज पूरे पूरे दिन में आज जीरो निकला, तो आपको फील होगा कि ये करके आ रहा हूं मैं। तो एज ए अपलायन आप उनको ये बताइए, हर एक महीने का डेली पीवी अपडेट उनको बताइए कि आपको जैसे मार्च महीने में किसी की टीम में 25 लोग शॉपिंग करने वाले हैं, उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर था, कितने तारीख को कितने पीवी की शॉपिंग किया। जब अप्रैल महीने में आप उनको अप्रोच कर पाओगे कि सर आपका मार्च में इतनी की शॉपिंग थी, आप इसको अप्रैल में कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यदि नहीं किया है तो कर लिया तो बहुत अच्छा, कर लिया तो वेल एंड गुड। एक मैसेज व्हाट्सएप पे दीजिए, थैंक यू सो मच सर, आपका शॉपिंग इतनी की हो गई है और मैं बड़ा खुश हूँ, और इस प्रक्रिया में आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मेरे से और भी सहयोग की जरूरत होगी तो मैं बिल्कुल हमेशा तैयार हूं करने के लिए। और कोशिश कीजिए सर एक आध दो ज्वाइनिंग करवाने की भी। जब ये बात आप करते हो, ये वर्कशॉप पे मैसेज करते हो, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। ये बहुत चीज है। लास्ट एंड लिस्ट में आपको बात करूंगा हमेशा, लास्ट एंड लिस्ट क्या बताऊं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप अपने जो पावर है ना उसको डिसेंट्रलाइज करो। आप किसी के पावर में अटैच मत रहो ज्यादा दिन। सपोज दैट मैं हूं, मुझे कभी कभी हमारे मेंटर केशव सर से बात करे हुए एक महीना हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप में पावर ले लिया है, मैटर नहीं करता। उनके पास आज बहुत सारे लोग हैं जो लाख, डेढ़ लाख, दो लाख, ढाई लाख रुपए महीने कमाने वाले हैं। पहले वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केशव सर थे, अब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केशव सर नहीं है, उनके नीचे लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। अब मैं हूं तो मेरे नीचे वाली टीम है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेरे को बनाया। अब मेरी टीम के जो लोग हैं, सपोज कोई टीम है तो उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पड़ेगा।
लास्ट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कीजिए, आप हमेशा अपने आप को सेंटर ऑफ पावर बनाइए कि मैं एक पावरफुल हूँ, मेरे इर्द गिर्द इतने लोग पावरफुल लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसके ऊपर पूरा फोकस कर लेना। एंड लास्ट में बताऊंगा आपको एक चीज, मैं बताना चाहूंगा कि एज ए अपलाइन अपने डाउन लाइन को सिखाइए, आप बताइए कि कभी क्रॉस लाइन के साथ मिस अप ना करें। जिस दिन हमारे केशव सर कहते हैं कि जिस दिन क्रॉस लाइन एक जगह बैठने लग गया तो समझो कि वो कैंसिल लाइन बन गया, वो कभी वो बिजनेस बड़ा कर ही नहीं पाएगा, वो हमेशा अपलाइन की बुराइयां करेगा या कुछ और करेगा, और यदि नॉन क्वालिफाई कैटेगरी में है तो दोनों चोंच में चोंच मिलाता रहेगा, तू भी नॉन क्वालिफाई भाई, मैं भी नॉन क्वालिफाई, तू भी नॉन क्वालिफाई, मैं भी नॉन क्वालिफाई, चल भाई आज तो मजे मस्ती से गुजरेंगे चार घंटे। मैटर ये करता है कि जैसे आपका है तो आप कोई क्वालिफाई बंदे के साथ बैठो, कोई सक्सेसफुल लीडर्स के पास बैठो, आप उनसे सीखिए, जानिए, समझिए कि क्या कुछ और बढ़िया कर सकते हो आप। लेकिन हम, आपको पता ही है कि हर एक अनसक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल को देख करके परेशान होता है, वो उसके पास बैठेगा कहाँ, उसे लगेगा कि वो टिप्स तो हमें देगा ही नहीं। उनसे पूछिए कि आपका लेवल मेंटेन हो रहा है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो रीजन क्या है, पूछिए क्या दिक्कत है। आपको नॉन क्वालिफाई के पास जाएंगे तो वहां चोच में चोच तो मिलता रहेगा, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, चल दोनों ठीक है भाई मजे ले। मैटर यही करता है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है आपका कि आप एक सक्सेसफुल लीडर्स के पास कनेक्ट हो जाइए। एज ए अपलाइन आपका रोल है कि डाउनलाइन में ये चीज सिखाइए आप। ये सब चीजों के अलावा जितने पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए, जितने डिस्कस करे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके ऊपर फोकस करके बड़े लेवल पे आप जाओगे और एज ए अपलाइन अपने आप को बढ़ा करके दिखाओगे आप। और जितने लोग आपके नीचे साथ में अटैच हैं, जो आपको काम करना चाहते हैं, जो बड़े लेवल पे बढ़ना चाहते हैं, आप कोशिश कीजिए कि इसी तरह से अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपने जो साथ में जो लीडर्स हैं आपके साथ, जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो कलीग्स हैं आपके साथ, उनके साथ अटैच रहिए और जबरदस्त तरीके से आप काम कीजिए। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास जताता हूं आप लोगों के ऊपर कि आप बड़े लेवल पे सफल हो जाओगे, बड़े लेवल पे सफलता हासिल करोगे यदि इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा करके आप आगे गए तो, है ना। और थोड़ा सा चैलेंजेज ये सब में आ सकता है, लेकिन चैलेंजेज को लेना नहीं भूलना आप, न संघर्ष न तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में, बार बार बोलता हूं ना, न संघर्ष न तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में, अरे तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो एज ए प्लान ऐसे गोल और कोई टारगेट बना करके अपने डाउनलाइन के साथ उतरिए, बात कीजिए, उनके साथ जाइए, मिलिए, समझिए। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि एज ए अपलाइन आप इस तरह का रोल प्ले करोगे। आपके पास यदि एक दो डाउनलाइन भी हैं तो आप अपलाइन हो और इस तरह से रोल प्ले करना शुरू कर दो और एक एक्टिव, इफेक्टिव और जबरदस्त अपलाइन के साथ काम करना, ये आपको जज करना पड़ेगा और ढूंढ लेना एज अ मेंटर मेरे दोस्त। और मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि किन्नी लाइन के पास तो मेंटर ही नहीं है, अपलाइन ही मेंटर और अपलाइन में फर्क है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। आपका अपलाइन मेंटर नहीं हो सकता, हो सकता है दो तीन स्टेज ऊपर जाकर के आपको मेंटर मिले, लेकिन किसी न किसी को मेंटर जरूर बना लेना लाइफ में। मेंटर नहीं है जिंदगी नहीं चलेगी आगे, नहीं है तो पकड़ लो उसका धोती कैसे भी करके, मेंटर मान लो उसको, किसी को भी मान लो, कोई भी लीडर हो। मैं अच्छा नहीं लगता हूं, मेरे केशव सर को मानो, केशव सर अच्छा नहीं लगते हैं अरविंद सर को मानो, अरविंद सर अच्छा नहीं लगते हैं नवीन सर को मानो, और उनके ऊपर लीडर मानो। आप क्रॉस लाइन में भी यदि कोई बहुत अच्छे लीडर है उनके ना एक्शन को फॉलो करो, उन्होंने जो काम किया है, नहीं कुछ है तो सिद्धार्थ सर का एक से एक वीडियो उनको मानो तो उनके, लेकिन उनके एक्शन को फॉलो करो। आप पता चला कि डेली एक प्लान देने तो एक्शन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सब चीजों को आप काउंट करके बड़े लेवल पे जा सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने कीमती समय दिया इतने तरीके से। आप कमेंट्स कर सकते हो कि क्या आप इस तरह से आने वाले दिनों में इस तरह से जुड़ करके आप बड़ा करना चाहोगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं दोबारा माइक का हैंड ओवर करना चाहूंगा सुदेशना मैम को, और मैं उनसे यही कहूंगा कि बस इसको क्लोज करेंगे, कोई हमें टेस्टिमोनी लेने की जरूरत नहीं है। सुदेशना मैम सुन पा रही हैं आप मुझे? यस सर। ओवर टू सुदेशना मैम। थैंक यू सो मच लीडर, थैंक यू सो मच। मैं बड़ा खुश हूँ और मैं क्या बताऊं, मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत दिन के बाद इंटरेक्शन हुआ और देखेंगे हर एक दो दिन के बाद हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।